तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैल्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस टावर के बारे में कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिटिक्स के बारे में और इस कंपनी के प्रति हम किस प्रकार के टारगेट रख सकते हैं। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस टावर कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टावर्स और ब्रॉडबैंड की मदद से। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसके कुछ बेहतरीन क्लाइंट हैं अभी के टाइम, लाइक एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें इस कंपनी ने अभी तक एक्वायर कर रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी ग्रो करेगी, बट एट दी एंड इस कंपनी के ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, बट ये जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। देन बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी बुरी बात है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, जब से इस कंपनी ने स्टार्टिंग करी है तो इसने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के फेज देखे हैं। ऑलमोस्ट ये कंपनी लिस्ट हुई थी 201 पे और इसने ऑल टाइम अपना हाई बनाया था, वो ऑलमोस्ट बनाया था इन्होंने 499, यानी 500 रुपये के करीब इसने अपना हाई बनाया था अभी तक का, जिसका अब तक का ऑल टाइम हाई है। बट अगर ऐसा ही होता तो मैं ये कंपनी आपको कभी रिकमेंड नहीं करता। मैंने ये कंपनी आपको रिकमेंड की है क्योंकि मेरे को इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एवरी सिंगल ईयर इसने अपनी ग्रोथ रेवेन्यू को बढ़ाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2018 में 8,000 करोड़, 8,300 करोड़, 8,500 करोड़, और सीधा वहाँ से बहुत बड़ा एक जंप लेके इन्होंने 1,500 करोड़, क्योंकि COVID-19 के बाद अधिकतर वर्क मोबाइल फ़ोन से होने लगे, लैपटॉप से होने लगे। तो उससे क्या होगा, इस कंपनी का सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी। और मैं जैसे कि कहते जा रहा हूँ दोस्तों कि आने वाले टाइम पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी टेलीकॉम सेक्टर में, बट इस कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस कंपनी के ग्रोथ किस तरीके से बढ़े हैं, और जैसे ही इसके ग्रोथ बढ़े हैं उस हिसाब से इसका नेट रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी ने काफ़ी अच्छा कैश फ्लो इकट्ठा कर रखा है जो इन्होंने आज तक कभी नहीं करा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव पॉइंट लगा। मैंने हमेशा अपनी वीडियो पे कैश फ्लो को ज़्यादा गौर करा है क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है वो करने के लिए जो वो करना चाहती है, और कंपनी हमेशा वही चाहेगी जिसमें उसका प्रॉफिट हो सके। तो ये चीज़ मैं हमेशा गौर करता हूँ कि कंपनी के पास किस तरीके का कैश फ्लो मौजूद है। बट एक चीज़ मेरे को इस कंपनी की थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट दिखे, वन एंड ओनली, वो है इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनके प्रमोटर्स की 28% जो प्रमोटर्स के शेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट प्लेज्ड हैं। मतलब जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, प्लेज्ड होल्डिंग वो होल्डिंग होती है जो कि गिरवी रखे जाते हैं शेयर्स। तो अभी के टाइम पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्रमोटर्स के पास ही हैं क्योंकि उन्होंने सेल नहीं करा, बट ये रियल प्रमोटर्स के पास नहीं होते, ये गिरवी होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें अपनी योगदान बढ़ाया है, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी एक काफ़ी अच्छा अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है। रिटेल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपनी का जो अधिकतर शेयर है वो काफ़ी एक मजबूत हाथों में है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन लगा। अगर ये कंपनी का बस ये प्लेज नहीं होता तो ये कंपनी परफेक्टली फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ओनली वन रेड साइन दिखा रहा है कि टू मच प्रमोटर्स होल्डिंग अंडर प्लेज्ड। तो जैसे कि ये तो यही एक और रीज़न है जो इस कंपनी को नेगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है मेरे को। बाकी कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म व्यू के, क्योंकि मैं इस कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं देना चाहूँगा अपनी साइड से, तो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो बेशक आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 213 से 230 के बीच में। आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के विजन से रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के विजन से जो मैं आपको इसका टारगेट रख के दूंगा वो रख के दूंगा लगभग 350 इसका टारगेट 1 रहेगा और 400 इसका टारगेट 2 रहेगा। मैंने जैसे आपको बता रखा है, जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ऐसी ही किसी कंपनी के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की रेगुलर कंटेंट आप तक प्रोवाइड करता रहता हूँ एवरी सिंगल डे। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपके पास थोड़ा और समय इन्वेस्टमेंट को देने के लिए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है पेटीएम को लेकर, तो आप मेरी ये पेटीएम वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पेटीएम की बिजनेस मॉडल को समझाया है। सो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।